हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा होममेड क्लींजर जिससे आप अपनी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून आने वाला है और मॉनसून आते ही हमारी स्किन पे बहुत सारा ऑयल आ जाता है और ऑयल आते ही हमारी स्किन पर पिंपल्स की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। और जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ऐसे में कैसे ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ अपने पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि आपने ये क्लींजर किस तरीके से तैयार करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ एक क्लीन बाउल, ले लीजिए। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ऐड करूँगी। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैंने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाला है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल, ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो किसी ब्रांड की ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे डाबर गुलाबरी प्रीमियम रोज वाटर, ले रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहें तो ये भी किसी ब्रांड का ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर का बना रोज वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे एज अ फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिए। और अब मैं इसे अपने फेस पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक रब करूंगी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन से जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। मैं पहले इसे एज अ फेस पैक अपने फेस पर अच्छे से लगा लूंगी और उसके बाद मैं अपने फेस को अच्छे से मसाज करूंगी। और गुलाब जल हमारी स्किन में ठंडक पहुंचाता है और एलोवेरा जल हमारे पिंपल्स, रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर करने में हेल्प करती है। इस क्लींजर को आप डेली भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज कर ली है अच्छे से और अब अपने फेस को ठंडे पानी से मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो देखिए, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मुझे मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है और जितना भी मेरे नोज़ के आसपास ऑयल नज़र आ रहा था वो भी अब दूर हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है मेरी स्किन और काफ़ी फ्रेश भी लग रहा है मेरा फेस मुझे। तो ये थी मेरी आज की ऑयली स्किन वालों के लिए क्लींजर की रेमेडी। तो देखो दोस्तों, आपने ये कितना इजी था ऑयली स्किन से छुटकारा पाना, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।